हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। दोस्तों, अभी तक इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरी दादी एक्सपायर कर गई इस कारण से, जिससे मैं फिर से दोबारा लौट के आ गई हूँ। दोस्तों, चलिए जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि अभी आपके यल्टी ग्रेड के वियर्स एंड वियर्स एंड नई यूपी टीजीटी भर्ती भी आने वाली है, जिससे आप पहले से ही प्रिपेयर में लग जाइए, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तब तैयारी करने में जुटते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको हड़बड़ी हो जाती है। इससे पहले से ही प्रिपेयर रहिए एंड डेली रूटीन बना लीजिए कि हमको इतना ही पढ़ना है, कम ही पढ़िए लेकिन डेली बेसिस पे पढ़िए, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आखिर में नॉर्मल ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक दोनों में क्या डिफरेंट है। नॉर्मल ओलंपिक जो है वो, उसमें वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जो फिजिकली फिट है, यानी शारीरिक रूप से कोई अपंगता नहीं है, सही है। एंड पैरा ओलंपिक में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम है, यानी शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं है, विकलांग है, ऐसे खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको नॉर्मल ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स के बारे में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जैसा कि नॉर्मल ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स एक ही जगह पे आयोजित किए जाते हैं कुछ अंतराल पर, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल ओलंपिक टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 इसी समय 23 जुलाई 8 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। एंड पैरा ओलंपिक उसी जगह पे टोक्यो, जापान के टोक्यो शहर में 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला। तो टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक कब से कब तक चला? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। दोस्तों, कोविड-19 के कारण इसको 2021 में संपन्न करना पड़ा, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 को, जो 20 में संपन्न होना था, जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ कोविड-19 के कारण। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका मस्कट यानी शुभंकर है सुमेती। एंड नेक्स्ट डे पैरालंपिक या नॉर्मल ओलंपिक दोनों कहाँ पे संपन्न होगा? 2024 में पेरिस फ्रांस में एंड 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में। एंड नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के 54 एथलीटों ने भाग लिया है। यह पैरालंपिक में प्रथम बार है जो भारत ने इतने खिलाड़ियों, यानी खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा दल भेजा है। अब नेक्स्ट बात करूंगी फ्लैग बैरियर की, यानी ध्वजवाहक की। दोस्तों, पैरालंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह में फ्लैग बैरियर थे टेकचंद एंड क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा। क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में कौन था? अवनी लेखरा, ध्वजवाहक। अब मैं बात करूंगी मेडल टेबल की 2020 के पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में किस देश का कौन सा स्थान आया। तो फर्स्ट रैंक पर चीन रहा, 96 गोल्ड, 60 सिल्वर एंड 51 गोल्ड, यानी टोटल 207 मेडल के साथ चीन फर्स्ट रैंक पर रहा। एंड सेकेंड रैंक पर ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड रैंक पर यूनाइटेड स्टेट्स एंड हमारा इंडिया 24वें रैंक पर रहा। यानी इंडिया 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रांज मेडल, यानी कुल 19 पदक प्राप्त किए हैं। यानी इंडिया का ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है, क्योंकि इससे पहले 2016 में पैरालंपिक में भारत
चार मेडल प्राप्त किया था, दो गोल्ड एंड एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो पूछा जाता है कि भारत ने पैरा ओलंपिक में प्रथम बार भाग कब लिया, तो 1968 में। कब लिया? 1968 में। इसी पर एक और सवाल बनता है कि यानी ओलंपिक में भारत ने कब, नहीं जो नॉर्मल ओलंपिक होता है उसमें भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया, तो आप सबको पता है 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी में सबसे पहले वो भाग लिया था। तो दोस्तों भारत ने पैरा ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया 1968 में, एंड प्रथम मेडल कब प्राप्त किया, सबसे पहले प्रथम बार मेडल प्राप्त किया 1972 के हैंडलबर्ग ओलंपिक में, मुरलीकांत पेटकर स्विमिंग में गोल्ड जीतकर भारत को ओलंपिक मेडल पदक दिलाया था। अब मैं बात करूंगी भारत के मेडल को। भारत जो विश्व स्थान पर रहा एंड 19 मेडल प्राप्त किया, जिसमें से 5 गोल्ड 8 रजत एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। तो 19 मेडल किस किस खिलाड़ियों ने पाया है शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले अवनी लेखरा जी निशानेबाज में, 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, जिसमें से अवनी लेखरा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक एंड कांस्य पदक, सिंहराज अंधाना निशानेबाजी में कांस्य पदक एंड रजत पदक, मनीष नरवाल निशानेबाज में स्वर्ण पदक। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अवनी लेखरा एंड सिंहराज अंधाना दोनों निशानेबाज, दोनों खिलाड़ी दो दो पदक प्राप्त किए हैं पैरा ओलंपिक 2020 में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पैरा ओलंपिक 2020 में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो दो पदक प्राप्त किए हैं। तो अवनी लेखरा स्वर्ण एवं कांस्य, सिंहराज अंधाना कांस्य एवं रजत। नेक्स्ट है भाला फेंक में आपके 3 खिलाड़ियों ने 3 पदक प्राप्त किए, जिसमें से देवेंद्र झंझरिया भाला फेंक में रजत पदक प्राप्त किए, सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में कांस्य पदक, सुमित अंतिल भाला फेंक में स्वर्ण पदक। यानी भाला फेंक में 1 रजत 1 स्वर्ण 1 कांस्य मिला भारत को। एंड हाई जंप में 4 पदक भारत ने प्राप्त किए, जिसमें से 3 रजत 1 कांस्य है। तो 3 रजत हाई जंप में किसने प्राप्त किया, तो निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलू, प्रवीण कुमार। एंड कांस्य पदक प्राप्त किया शरद पवार जी ने हाई जंप में। तो क्वेश्चन आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो कुछ पूछ सकता है कि निषाद कुमार किस खेल से संबंधित है, तो हाई जंप से। मरियप्पन थंगावेलू किस खेल से संबंधित है, तो हाई जंप से। नेक्स्ट है बैडमिंटन में भारत ने 4 पदक प्राप्त किए, कौन कौन से। मनोज कुमार ने बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त किया, सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया एंड प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में कांस्य पदक प्राप्त किए, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में रजत पदक प्राप्त किए एंड भाविना पटेल टेबल टेनिस में रजत पदक प्राप्त किए। दोस्तों ये तो था शॉर्ट में इन सभी के नाम, जो आपको याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया। एंड इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ गोल्ड मेडल की, जो 5 गोल्ड मेडल किसने किसने प्राप्त किया, इसमें से अवनी लेखरा जी निशानेबाजी में है, मनीष नरवाल भी निशानेबाजी में है 50 मीटर एंड अवनी लेखरा 10 मीटर राइफल में, सुमित अंतिल जो है जेवलिन थ्रोवर में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं एंड प्रमोद भगत बैडमिंटन में, पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर भी पैरा बैडमिंटन में। तो इन 5ों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जिससे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगी अवनी लेखरा जी की। दोस्तों अवनी लेखरा जो है निशानेबाजी यानी राइफल शूटर में शूटर खिलाड़ी है, ये राजस्थान जयपुर की 19 वर्षीय खिलाड़ी है। ये 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल 246.6 अंक हासिल करके फाइनल में चीन की सी झांग को हराकर प्राप्त किया।
इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। इससे पहले कोई महिला पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीती थी, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी अवनी लेखरा जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनके संबंध में कि किसी एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी ये बनी है, ठीक है। पहले किसी एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी ये बनी है। इनका पहला पदक 10 मीटर राइफल में गोल्ड एंड दूसरा पदक 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक है। 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक चीन के कुलदीप झांग ने जीता है। नेक्स्ट है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल जी भी निशानेबाजी में पिस्टल शूटर है। ये हरियाणा फरीदाबाद से है। ये 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल 218.2 का स्कोर करके प्राप्त किया। दोस्तों इसी कैटेगरी में सिंहराज ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एंड नेक्स्ट है सुमित अंतिल जी, जेवलिन थ्रोवर है, जो जेवलिन थ्रो में एकमात्र गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो जेवलिन थ्रोवर है सुमित अंतिल जी, ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। इन्होंने क्लास 564 वर्ग में फाइनल में 68.55 यानी 68.55 मीटर थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। 65 मीटर थ्रो करके इन्होंने क्या बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। जैसा कि दोस्तों नॉर्मल ओलंपिक में स्वर्ण पदक भाला फेंक में किसने जीता है, एक ही स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, वो भी किसने प्राप्त किया है, वह स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, जो 87.58 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल जी 68.55 मीटर थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों इसी इवेंट में भाला फेंक में हिस्सा ले रहे भारत के दूसरे एथलीट संदीप चौधरी जो है वो चौथे स्थान पर रहे। नेक्स्ट है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत जी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। ये बैडमिंटन में पुरुष एकल में SL3 वर्ग में गोल्ड मेडल ब्रिटेन के डेनिस बथेल को हराकर जीता। ये बैडमिंटन का प्रथम गोल्ड भारत को दिलाया, यानी कि यह बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी ये हैं, और यह पहला मौका है जब बैडमिंटन को पैरा ओलंपिक में जगह दिया गया। इससे पहले दोस्तों कभी भी बैडमिंटन स्पर्धा को पैरा ओलंपिक में नहीं होती थी, यानी कि इससे पहले बैडमिंटन स्पर्धा जो है पैरा ओलंपिक में संपन्न नहीं होती थी। ये पहले व्यक्ति हैं प्रमोद भगत जी जो बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कृष्णा नागर। ये भी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, राजस्थान जयपुर से हैं ये, और 22 साल के हैं। ये भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये हांगकांग के चू माई केर को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। तो पैरा बैडमिंटन में दो खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने। प्रमोद भगत आपके बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि बैडमिंटन में पहला गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रमोद भगत। कब शामिल किया गया, कब स्पर्धा किया गया सबसे पहले, तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन को। दोस्तों ये था आपके 5 गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी। अब बात करूंगी 8 सिल्वर रजत सिल्वर यानी रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो इसमें से भावना पटेल जी हैं टेबल टेनिस में, एंड देवेंद्र झांझरिया हैं जेवलिन थ्रो में, अमरेंद्र थंगावेलू हाई जंपर, निषाद कुमार हाई जंपर, प्रवीण कुमार हाई जंपर, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रोवर, सिंहराज अडाना शूटर, सुहास यतिराज बैडमिंटन खिलाड़ी। इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी भाविना पटेल जी की। दोस्तों ये गुजरात के मेहसार के 34 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये
फाइनल में चीन की वर्ल्ड नंबर वन झाओविंग ने इनको हरा दिया, जिसके चलते उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इन्होंने क्लास 4 वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है टेबल टेनिस में। दोस्तों ये टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक जब संपन्न हो रहा था तो भारत को पहला पदक कौन दिलाया था? भाविना पटेल जी। ठीक है, भाविना पटेल जी। जबकि नॉर्वे ओलंपिक में जो हुआ था 23 जुलाई से 8 अगस्त, वो उसमें पहला पदक मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टर में दिलाया था। और पैरालंपिक में पहला पदक दिलाया भाविना पटेल जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो आपके अवनी लेखरा जी। दोस्तों दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया, तो अवनी लेखरा जी। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में पहला पदक किसने जिताया, तो भाविना पटेल जी हैं। एंड टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला भी ये पहुंची हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो भाविना पटेल जी। तो इनसे दो तीन क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है देवेंद्र झांझरिया, ये जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। F46 में रजत पदक इन्होंने 64.35 मीटर फेंक कर इन्होंने, यानी 64.35 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। जबकि जो सुमित अंतिल है वो और 68.55 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, और ये 64.35 मीटर फेंक कर ये रजत पदक प्राप्त किए हैं। देवेंद्र झाझरिया से जुड़े कुछ और बातें, जैसे कि देवेंद्र झाझरिया जो है वो 3 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं, यानी इन्होंने 3 ओलंपिक खेलों में पदक जीता है। एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है, एंड टोक्यो 2020 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। यानी ओलंपिक में 3 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली ये प्रथम खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया है। इनको 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया, और इसी इवेंट में कांस्य पदक भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है। नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलु, ये तमिलनाडु के हाई जंपर है। इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने लगातार 2 पदक प्राप्त किए हैं, ये दूसरा पदक है। प्रथम पदक 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और इनको 2017 में अर्जुन एंड पद्मश्री, 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निषाद कुमार, जो हिमाचल प्रदेश के हाई जंपर हैं। 47 वर्ग में सिल्वर पदक प्राप्त किए हैं। 2.06 मीटर ऊंची जंप लगाकर इन्होंने सिल्वर मेडल हाई जंप में प्राप्त किया है। और इन्होंने निशात कुमार जी ने ही 2019 में दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने 2.05 मीटर हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, ये नोएडा के हाई जंपर हैं। इन्होंने 2.07 मीटर छलांग लगाकर रजत पदक प्राप्त किया, जबकि निषाद कुमार 2.06 मीटर लगाकर, और ये प्रवीण कुमार 2.07 मीटर छलांग लगाकर रजत पदक प्राप्त किए, और इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किए ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड जोनाथन ने 2.10 मीटर छलांग लगाकर। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया, ये डिस्कस थ्रोवर है। इसमें 44.38 मीटर थ्रो करके रजत पदक प्राप्त किए हैं डिस्कस थ्रो में। इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल ब्राजील के बतिस्ता दोस संहोत 45.59 मीटर थ्रो करके प्राप्त किया है। नेक्स्ट है सिंहराज अडाना, जो शूटर हैं या निशानेबाजी हैं। इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में या SH1 में कैटेगरी में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, एंड इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 में कांस्य पदक भी प्राप्त किया है। तो यहाँ पे सिंहराज अडाना और अवनी लेखरा दोनों ने ही दो दो मेडल प्राप्त किए हैं। एंड नेक्स्ट है सुहास यथीराज, ये
38 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एशियन फोर क्लास में फाइनल में लुकास मांजूर से हार गए थे। दोस्तों ये यूपी की प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी भी हैं सुहास यतिराज। ये पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम आईएएस अधिकारी बने हैं। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम आईएएस अधिकारी कौन है, तो सुहास यतिराज जी। दोस्तों ये थे हमारे 8 सिल्वर मेडल विजेता, जिसमें से भावना पटेल टेबल टेनिस में, देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो में, मरियप्पन थंगावेलु हाई जंपर में, निषाद कुमार हाई जंपर में, प्रवीण कुमार हाई जंपर, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रोअर, सिंहराज अडाना शूटर, सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन में खिलाड़ी। नेक्स्ट बात कर रही हूँ 6 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल विजेता कौन कौन है, तो उन सब के नाम मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगी। दोस्तों 6 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में, सिंहराज अडाना 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाज में, जबकि सिंहराज अडाना 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल भी जीते हैं। अवनी लेखरा 50 मीटर निशानेबाज में कांस्य पदक, और यही अवनी लेखरा जो है वो 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, सिंहराज अडाना है अवनी लेखरा दोनों ने ही दो दो पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है शरद पवार जी जो हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल एंड मनोज सरकार बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों ये था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, एंड वीडियो को 2 से 3 बार आप अच्छे से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। एंड आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जिससे मुझे नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से बना सकूं आपके लिए। एंड दोस्तों जब मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट ट्रेनिंग, डोपिंग, चोटें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी। जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं बस पूरी सिलेबस की, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स हैं पूरे सिलेबस के साथ यहाँ पे बताया जाएगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।